So why Coke Studio is back after 8 years एंड इस बार नाम कोक स्टूडियो भारत क्यों है? वर्ल्ड में कोक सबसे ज्यादा सेल होता है लेकिन इंडिया में कोक फोर्थ स्पॉट पे है एंड कोक के लिए कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। रिलायंस ने रिसेंटली 2 कोला ब्रांड्स एक्वायर किए हैं और पेप्सी भी कंपटीशन इंक्रीज कर रही है। कोक स्टूडियो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल प्रमोशनल कैंपेन है, इतना सक्सेसफुल है कि नेस्कैफे एंड डेवर जैसे ब्रांड्स ने सिमिलर कैंपेन्स लॉन्च किए। इसलिए कोक स्टूडियो के लॉन्च के साथ कोक अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहता है। इंडिया की जगह भारत रीब्रांड करने के पीछे का रीजन है इंडिया की डाइवर्सिटी। रीजनल कोला मार्केट्स को अक्वायर करने के लिए एंड अपने ब्रांड को बेटर प्रमोट करने के लिए कोक इस बार रीजनल फ्लेवर्स ऐड करना चाहता है। रिसेंटली कोक स्टूडियो ने ब्रज भाषा एंड डेली रैप को कंबाइन करके एक ऑसम हिट प्रोड्यूस किया है। सो कोक स्टूडियो से आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है?